हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेश कुकिंग। तो आज हमने बनाए हैं चावल के आटे के मिनी समोसा। जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी हेल्दी सी रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1.5 कटोरी चावल का आटा लिया, इसमें नमक डाल दिया, थोड़े से हमने इसमें लिए कसूरी मेथी और कुछ नहीं, बस इतने कुछ इसमें डाला है। और आटे को हम गूंद के लगा के रख देते हैं डो बना के इसका, फिर हम इसके फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के रख दिया। इधर अब ले लेते हैं उबले हुए आलू हैं 4 से 5, इनको मैश कर लेते हैं। अब इसमें डाल दिया धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा आमचूर पाउडर लिया था। अब इधर कढ़ाई रख दी गैस पे, इसमें डाल दिया हरी मिर्च, करी पत्ते लिए थोड़े से और जीरा लिया है 1/2 टेबल स्पून। इनको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाते हैं। इनको हम स्टीम करके बनाएंगे, चाहे तो आप लोग स्टीम करके भी, स्टीम वाले भी खा सकते हैं या फिर इनको फ्राई भी करके खा सकते हैं। कैसे भी स्टीम करके खाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। तो हम थोड़ा इनको फ्राई भी करेंगे ताकि समोसे वाला लुक अच्छे से और आ जाए। और इधर हमारा मसाला तैयार हो चुका है, तो अब इसकी रोटियां बना लें। इसको बनाना इतना आसान है कि एक रोटी में एक ही बार में 6 समोसे बन जाएंगे, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये ले लिया हमने आटा, एक रोटी से करीबन ज़्यादा है, जितनी रोटी बनाते हैं उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा है। इस तरीके से पूरी एक रोटी बेल ली हमने इस तरीके से। अब इसको हम कटोरी से काट लेते हैं इसे। अब ये बचा हुआ आटा हम इसको फिर से यूज कर लेंगे। तो आप लोगों को हमें कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगे हमारे समोसे की रेसिपी। और वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना सभी लोग प्लीज। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा और हल्का सा पतला कर लेते हैं, फिर हम बनाएंगे इसमें। हाफ कट कर लिया इस तरीके से, देखिए बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। अब इसमें डाल देते हैं फिलिंग, बिल्कुल समोसे, इसको चाय चटनी किसी के भी साथ खा सकते हैं आप। इसको ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं क्योंकि चावल के आटे से बना रहे हैं तो हेल्दी भी हैं और टेस्टी भी हैं बहुत। तो अब इसमें रख देते हैं कि ये केक टिन है तो इसमें हम इनको स्टीम कर लेते हैं। इस तरीके से सारे रख देंगे, दो बार में रखेंगे। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था हमने। अब गैस पे कढ़ाई रख दी, इसमें हमने डाल दिया था पानी। तो हम स्टीम हो चुके हैं समोसे हमारे, इनको निकाल लेते हैं। देखिए आप चाहें तो इन लोगों इनको इस तरीके से भी खा सकते हैं चटनी के साथ में, या फिर इनको तेल में फ्राई भी करके खा सकते हैं, जैसे भी अच्छे लगे उस तरीके से खाएं। ये हमारे स्टीम हुए समोसे निकाल लिए हमने, तो इस तरीके से देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे भी बहुत खाने में हेल्दी और टेस्टी भी हैं। और ये हम इनको फ्राई कर लेते हैं इसमें। स्टीम करके अगर फ्राई करते हैं तो इसमें ऑयल बहुत कम लगता है, ज़्यादा ऑयल नहीं सोखते हैं इसमें। और जब बहुत जल्दी पक भी जाते हैं तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ये समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, खाइए आप लोग भी, बनाइए के एंजॉय करिए और फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।